तीसरे अध्याय पे हम लोग आज बात करेंगे। और मैं आपसे जो कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई और लोगों ने काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाई और काफ़ी लोगों ने उसको व्यू किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे इतनी भी आशा नहीं थी कि इतने लोग भी, क्योंकि कोई ख़ास बात तो मैंने करी नहीं है, तो मुझे फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप सबको पहले तो मैं एक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना इस विषय में इंटरेस्ट लेने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ में जो एक बहुत ही कॉमन सवाल जो पैदा हुआ और ज़्यादातर लोगों ने मुझे पूछा, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि साहब, पूछा एक बहुत सिंपल सा सवाल, हु आर यू। तो मैंने नेचुरली मुझे यही उत्तर देना पड़ेगा कि मेरा जो नाम है, मैं जो पेशा में मैंने कहा कि मैं डॉक्टर अनिल सक्सेना हूँ। और ये जो संसार में मेरी पहचान है वो यही है। अभी एक सवाल मेरे मन में यहीं पे पैदा होता और सभी के मन में पैदा होना चाहिए, मैं इस प्रश्न को पैदा करना चाहता हूँ कि ये जो नाम हमको मिला है, ये जो हमको पदवी मिली है, ये जो हमको एक व्यवसाय के नाते से पहचान मिली है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की, या और किसी व्यापारी की, किसी और प्रोफेशन की, कोई बहुत अच्छी किसी आर्टिस्ट होने की, या कोई बहुत बुद्धिमान आदमी होने की, या बहुत पढ़ा लिखा आदमी होने की, बहुत सफल आदमी होने की, तो या असफल आदमी होने की, हर तरह की एक इमेजेस किसी हर किसी को संसार भर में अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग इमेजेस मिली हुई। और ये सारी इमेजेस के साथ सब भी दुनिया में लोग, तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है और हम इसी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यही हमारा ईगो का भी निर्माण इसी तरह से होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बचपन में देखेंगे, जहाँ आप पैदा हुए होते हैं, तो वहाँ पर ईगो नहीं होता है और बच्चे के अपने नाम के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, बच्चा किसी प्रकार से कहीं किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर कोई बच्चा आइडेंटिफाई करे ही नहीं तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा और ये एक बीमारी कहना है। लेकिन बच्चा एक लिविंग में है और आप सभी, हम सब जब पैदा होते हैं तो हम लिविंग में तो हैं लेकिन हम नोइंग में बिल्कुल नहीं होते हैं। और यही जो डिफरेंस है कि जब अभी हम नोइंग में तो हो गए हैं, मतलब नोइंग तो नहीं कह सकता मैं इसको, मैं नोइंग शब्द को मैं थोड़ा सा स्पेयर करके रखना चाहता हूँ, मैं नॉलेज में है, हमारे पास एक नॉलेज है, हमने जाना है, जानकारी है हमारे पास कि मैं अनिल हूँ, मैं सक्सेना हूँ, मैं फलां हूँ, या सभी लोगों के पास जो जो अपने अपने नाम लेकर के आप जी रहे हैं, जिन नामों के साथ में, पद पदवियों के साथ में, मैं अपने अपने जो एक इमेजेस आपकी खुद की बनाई हुई और साथ में संसार की बनाई हुई, और जो जो आपको लगता है कि वो आपकी इमेज है, जिस नाते से भी आपको जाना जाता है, आपको उस इमेज से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके सोसाइटी में, सब तरह के जो आपकी प्रोफेशन में, आपके आपके घर में एक आपकी इमेज होती है, और वो सब इमेजेस आपको मिल करके गड्ढमड्ढ होकर के आप एक कम्बाइंड इमेज बना लेते हो, उसमें अपना एक अपना भी एक योगदान आप जोड़ लेते हो, और फिर इससे फिर आप जो भी एक इंडिविजुअल आप अपने आप को मानने लगते हो। ये पूरा का पूरा जो चीज़ है, इसको अगर हम कहें कि ये एक प्रकार की कंडीशनिंग है, एक प्रकार का हमने इसको सॉफ्टवेयर चढ़ाते गए हैं, और एक हार्डवेयर तो हमको मिले ही है और वहाँ पे एक लिविंग चीज़ मिली है, लेकिन वो लिविंग चीज़ धीरे धीरे हाइड हो गई इस नॉलेज के, इस मेमोरी सिस्टम के, इस पूरी कंडीशनिंग के द्वारा आवृत्त हो गई, उसको छुप गई उसके पीछे में, और अभी हम बिल्कुल भी लिविंग से, हमारी बीइंग से हम दूर हो गए। तो अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, पर पहले हम सिखाएंगे कि नहीं हम लिविंग को जान लेंगे तो मुश्किल होगी। मैं कहूँगा कि पहले हम अहंकार को जान लें, और अहंकार में इसी कंडीशनिंग को ही अहंकार कह रहा हूँ। और अहंकार का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप करोगे तब अहंकार होगा, अहंकार का मतलब है जो हम अपने आप को जिस तरह से भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दुनिया में, वो एक रिकॉग्निशन जो हमारा पूरी पहचान, हमारी अपनी पहचान है, जिसको आप कहते हो या मैं कहता हूँ कि ये मैं हूँ। और जब कोई इसको इसका इसको मान दे तो हमें अच्छा लगता है, इसको अपमान करे तो हमें ख़राब लगता है।
ये पूरा आइडेंटिफिकेशन जो हमारा इस नाम पर पदवी और भी जो विश्लेषण है, अच्छे होना बुरे होना, कैरेक्टर वाला होना नहीं कैरेक्टर होना, जो कुछ भी आप संसार से आप विश्लेषण ले लेते हो, संसार आपका विश्लेषण करता है, आप उसको कुछ को ग्रहण करते हो, कुछ को रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन इस तरह से आप एक बनाते चले जाते हो एक पूरा सिस्टम आप अपनी ईगो का, और वो चलते रहती वो प्रक्रिया सदा सदा हमेशा हर रोज हर घड़ी वो उसमें एक कुछ जुड़ते चला जाता है। और पुरानी मेमोरीज तो है ही हैं, अभी जितना अब मैंने जी लिया, जितना आप सब लोगों ने जी लिए, उतनी सब मेमोरी सिस्टम आपके पास है, और वो मेमोरी सिस्टम पूरा का पूरा हमारे ईगो का हिस्सा है, और वो ईगो उस मेमोरी सिस्टम को भी अगर कभी कोई कहे कि ये ख़राब है, और अक्सर करके हम लोग पास्ट को कहते हैं कि पास्ट बहुत अच्छा, हर किसी को अपना पास्ट अच्छा लगता है, क्योंकि पास्ट से आप गुजर चुके हो, पास्ट की मुसीबतों से भी आप गुजर चुके हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें रही हो, वहाँ से आप सफलतापूर्वक निकल करके बाहर आ गए हो, तो आपको लगता है कि यार पास्ट इज़ गुड, क्योंकि पास्ट से आप बाहर निकल करके आ गए और आप सर्वाइव कर रहे हो, तो आपको अपनी सफलता का भी एहसास होता है। पर कहीं भी मैं आपसे ये कहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी संरचना को जो ईगो जैसे बना, और बनने के बाद जिस तरह से आज आप अपनी ईगो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस को अगर हम समझें, अगर हम जानें, अच्छा, और इसको जानने का भी एक तरीका नहीं है कि आप एकदम आप उठा करके एक डायरी में लिखना शुरू कर दो, मान लीजिए डायरी लिखे तो क्या वो अपनी पूरी ईगो को जान जाएगा? मैं कहता हूँ कि नहीं जानेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सबकॉन्शियस ब्रेन है, जहाँ पे कि रिस्पॉन्सेज हमारे कोडिंग में डले हुए हैं, कि हमको जब कोई किस बात पर मुझे गुस्सा आएगी, किस बात पर मुझे भय लगेगा, आपको अलग चीज़ पे लगेगा, मुझे अलग चीज़ पे लगेगा, हो सकता मुझे सांप से भयभीत लगता, भय भय लगता हो, किसी को आग से लगता हो, किसी को पानी से लगता हो, तो किसी को ऊंचाई से लगता, अलग अलग तरह की हमारी कंडीशनिंग है, और हर कोई आदमी अलग अलग चीज़ों से क्रोधित होता, अलग अलग चीज़ों से भयभीत होता, अलग अलग चीज़ों से प्रसन्न होता, कुछ खाने से प्रसन्न होता, कुछ खाने से प्रसन्न होता, तो ये प्रसन्नता के भी अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को देखेंगे कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी कंडीशनिंग की प्रक्रिया, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिकंडीशन कर लो अपने आप को, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आप जो काम कर रहे हो वो करना मुश्किल हो जाएगा, तो कंडीशनिंग तो रहेगी, और कंडीशनिंग का उपयोग है तो उपयोग आप करते जाए, आप जिस भी प्रोफेशन में उसकी भी एक कंडीशनिंग है, आप देखते हो कि मिलिट्री में एक कंडीशनिंग होती है, और उनका परेड सावधान और आगे बढ़ो और जाके मोर्चे पे चले जाओ, वो चले जाएंगे, पर अगर आप सिविलियन से कहते हो कि जाओ ये बंदूक लो और जाकर के सामने खड़े हो जाओ, तो वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके पास में उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई, अब ये ट्रेनिंग भी एक कंडीशनिंग है, स्कूलिंग भी एक कंडीशनिंग है, आप घर में जो जिस तरह से बड़े किए जाते हो, और आप वो भी एक कंडीशनिंग है, आपको कुछ कुछ कहा जाता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा, आपको कंडीशन हो गया, तो ये सब कंडीशनिंग को हम जानेंगे पहचान, मैं इसमें कहीं भी कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छा ही हुआ, मैं कह रहा हूँ चॉइसलेसली वी आर गोइंग टू नो व्हाट वी आर, अब और ये हर घड़ी आप जो हम जो जो हो रहे हैं वो हमारा ईगो भी और हम भी, वो सतत होने की प्रक्रिया में हम लोग इस घड़ी भी हो रहे हैं, इस घड़ी भी जब बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम लोग हो रहे हैं, इस होने को सतत जानना 2400 घंटे हर घड़ी हर पल, अब घंटे भी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी में आप हो वही घड़ी आपकी है, बाकी तो कुछ नहीं, अगले घड़ी में मान लो मैं ना रहूँ, आप ना रहो, कोई ना रहे, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए कोई ना तो पास्ट है और ना तो फ्यूचर है, बिल्कुल बस ये घड़ी है, और इस घड़ी ये घड़ी बोलने का मतलब क्या है कि क्या ये जो पिछली गुजरी वो नहीं, जो अभी है, अभी जो सामने, बिल्कुल अभी इस घड़ी, अब इस घड़ी बोलेंगे तो यही जो प्रेजेंट चलते चला जाएगा, और कभी कोई पास्ट नहीं है, कभी कोई फ्यूचर नहीं है, और हर घड़ी में अगर हम अपने को जानने की प्रक्रिया को आरंभ रखते हैं, हम उसको हमारी कोशिश रहती है कि हम जानते हुए जिए, तो ये ध्यान की पहली सीढ़ी हो जाता है, और इसके आगे की बात हम लोग फिर करेंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया वो मेरी आशा से बहुत अच्छा है, मैं सबको इस यात्रा में निमंत्रण देता हूँ, और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो, हम लोग मिल करके इस यात्रा में करेंगे, और मुझे विश्वास है कि ये एक बहुत आनंददायक जीवन की ओर हम बढ़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।